सीएए विरोध प्रदर्शन को हो रही है विदेशों से फंडिंग। मुरादाबाद पहुंचे एबीवीपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री का बड़ा बयान। दिल्ली के शाहीन बाग में लखनऊ के घंटाघर पर मुस्लिम महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे सीएए के विरोध प्रदर्शन पर हमला बोलते हुए कहा, इन्हें केवल पाकिस्तान से ही फंडिंग नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं जैसे फोर्ड फाउंडेशन, गरीब पीस, मुस्लिम ब्रदर्सहुड और हवाला के जरिए बहुत सारा पैसा आता। अब धीरे धीरे इस सब पर प्रतिबंध लग रहा है, जिससे बहुत सारे लोग तिलमिलाए हुए हैं। वो पहले कश्मीर में टेरर फंडिंग करते होंगे, नॉर्थ ईस्ट में और बांग्लादेशी घुसपैठियों के स्लीपर बने हुए हैं, और ये जो सीएए का विरोध महिलाओं के द्वारा चल रहा है इसमें भी ऐसे बहुत सारे संगठन हैं इस आंदोलन के पीछे जो देश को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। इतना ही तो अमेंडमेंट है। आप ये मानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने परिवार को जो है राजनीति का फायदा उठाने के लिए आगे कर रही हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर दुर्भाग्य इस देश का यही है कि आज तक इस देश में पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे वो सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर पॉलिटिक्स की हो, जाति के नाम पर पॉलिटिक्स की हो, संप्रदाय के नाम पर पॉलिटिक्स की हो, उन्होंने हमेशा इस प्रकार की पॉलिटिक्स की है। लेकिन अब देश बदल रहा है। अब इस देश में डेवलपमेंट के नाम पर कोर इश्यूज की आप बात करिए, आपके पास एजेंडा क्या है, विजन क्या है, आप अगर सत्ता में आएंगे तो आप युवाओं के लिए आपके पास क्या प्रस्ताव है वो लेकर आएंगे, तो मुझे लगता है ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी का आधार भी बढ़ेगा। और सत्ता लोकतंत्र में तो हर 5 साल के बाद परिवर्तन संभव है। वोट की ताकत हमारे पास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी है, हम बदल देंगे जो भी गलत करेगा देश के बारे में, लेकिन वो मुद्दों पर आए, सही मुद्दों पर बहस हो ताकि देश के काम आए। लेकिन ये निरर्थक का मुद्दा है जिसका कोई समाधान निकलने वाला नहीं है, केवल विरोध के लिए विरोध है और अपने आप को बचाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी, कुछ हमारे लेफ्ट के लोग भी और कुछ ऐसे एनजीओ चलाने वाले जिनको विदेशों से ऐसे ही काम के लिए पैसा मिलता है, वो सब लोग मिलकर के एक ऐसा माहौल बना रहे जैसे वर्तमान जो देश का सिस्टम है उसमें सब कुछ लोगों में अनरेस्ट है, तो ये जानबूझ करके एक वातावरण निर्माण किया जा रहा है, इसमें तथ्य कहीं तक भी नहीं है। सर आपने पूछा भी एक बात कि विदेशों से पैसा आ रहा है, क्या पाकिस्तान से पैसा आता दिख रहा है? नहीं नहीं, केवल पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के बहुत सारे ऐसे एनजीओ है, फोर्ड फाउंडेशन है, ग्रीन पीस है, मुस्लिम ब्रदरहुड है, बहुत बहुत सारे फंडिंग होते हैं, हवाला के जरिए देश में पैसा आता है। आप धीरे धीरे उन सब पर जो प्रतिबंध लग रहा है, जो चेक लग रहा है, उससे ऐसे बहुत लोग तिलमिला गए हैं, चाहे वो पहले फंडिंग करते होंगे नक्सल को, वो फंडिंग करते होंगे कश्मीर के आंदोलन टेररिस्ट को, वो फंडिंग करते होंगे नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट को, वो फंडिंग करते होंगे यहाँ पर इस प्रकार से जो बहुत सारे ऐसे नक्सल और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा जो स्लीपर सेल्स बन गए हैं या ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो देश को तोड़ने का ही काम करते हैं जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, उन सब लोगों को फंडिंग होता रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसे बहुत सारे गठजोड़ इस आंदोलन के पृष्ठभूमि में हैं, जिसमें भारत में रहने वाले और भारत से बाहर रहने वाले लोग जिनका एक ही एजेंडा है कि भारत को आगे बढ़ने से कैसा रोका जाए, वो सब लोग ही इस आंदोलन के पीछे हैं। होता है जिसमें जानबूझ करके क्योस क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है, तो उस आंदोलन में इस प्रकार से राजनीतिक दल हों या जिनके स्वार्थ की पॉलिटिक्स हो, सब लोग, चाहे वो पैसा देने की बात आती है, भीड़ कैसे मेंटेन करना उसकी बात आती है, और ये सारे स्टिंग ऑपरेशन में भी सामने आ रहे हैं और हम भी देख रहे हैं लगातार जिस प्रकार से वहाँ भीड़ जुटाने के लिए लंगर की व्यवस्था होती है या टेंट की व्यवस्था होती है या हर दिन शिफ्ट वाइज कितना पैसा किसको मिलेगा, इस प्रकार का एक आंदोलन को जानबूझ करके एक विरोध प्रदर्शन को एस्टेब्लिश करने का प्रयास अगर राजनीतिक दल ऐसा करते हैं तो ये घोर निंदनीय है। मुद्दे उठाने का अधिकार लोकतंत्र में है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, वर्षों से भी प्रदर्शन लोग कर रहे हैं जंतर मंतर पर, कई सालों से लोग बैठे हैं, लेकिन इस प्रकार से ये पूरी तरह से कुछ पॉलिटिकल पार्टी का स्पॉन्सर्ड अगर आंदोलन है तो बिल्कुल ये आंदोलन, क्या लगता है आपको कौन पॉलिटिकल पार्टी है? निश्चित तौर पर इस आंदोलन में कांग्रेस एक्सपोज हुआ है, देश भर में उन्होंने प्रयास किया है खोई हुई जमीन को वापिस करना, आज तक जो मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पर वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे थे उनका पॉलिटिक्स खिसक गया है, तो कोई सकारात्मक मुद्दे नहीं है, तो इसी मुद्दे को देश का मुद्दा बना करके प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप सबके आपके माध्यम से सभी लोगों से कहना है, आप डिबेट करिए, देश में लोकतंत्र है, डिबेट डिस्कोर्स करिए, लेकिन जानबूझ करके जानते हुए भी। और ये सीए पर तो कांग्रेस ने स्वयं 1955 में अमेंडमेंट ये बिल लाया था और वो स्वयं इसका हमेशा समर्थन करते रहे, लेकिन आज एक पार्टी, एक नेता या एक प्रधानमंत्री का विरोध करते करते ये लोग देश के विरोध में उतर गए हैं। भोले भाले लोगों को भ्रम में डालकर या पैसा लालच लोभ ला करके आंदोलन के नाम पर ये राजनीति ठीक नहीं है, ना देश के लोकतंत्र के लिए ठीक है, ना भारत की तरक्की के लिए।